नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। जिले में राज्यसभा सांसद निर्वाचित होने पर पहली बार अपने गृह जिले के दौरे पर आए राज्यसभा सांसद नीरज डांगी का मारवाड़ जंक्शन कांग्रेस प्रत्याशी जसाराम के राठौर के द्वारा भव्य बहुमान किया गया। देर रात्रि तक चले विशेष सम्मानित समारोह में जिले भर के सैकड़ों कार्यकर्ता और सैकड़ों सरपंच और वार्ड पंच और भामाशाह भी पहुंचे। मारवाड़ जंक्शन के कांग्रेस प्रत्याशी जसाराम जी राठौर द्वारा 21 किलो के फूलों का हार पहनाकर नीरज डांगी का भव्य बहुमान किया गया। अपने चहेते स्थानीय नेता का स्वागत करने सैकड़ों की तादाद आसपास के लोग और सरपंच और जनप्रतिनिधि पलक पावड़े बिछाए बैठे रहे। राठौर कृषि फार्म हाउस पर सरकारी गाइडलाइन और सोशल डिस्टेंसिंग में नीरज डांगी का भव्य स्वागत किया गया। अपने संबोधन में नीरज डांगी ने क्षेत्र के विकास में हर संभव सहायता करने और कोई कमी नहीं रखने का आश्वासन ग्रामीणों और अपने क्षेत्रवासियों को दिया। मारवाड़ के धरती में पधारे और इनका जो मनोबल बढ़ाया, हमारे जैसे कार्यकर्ता का जो मनोबल बढ़ाया, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसी के साथ पूरी जनता जो मारवाड़ की आई उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप दूर दराज से कंटाले से लगाकर रानी क्षेत्र तक आप सभी जो कर्मठ कार्यकर्ता है कांग्रेस के सरपंच महोदय है सभी बड़े भाव से आए, इसलिए उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आप सीधा जिसको सुनने आए हैं, जो हमारे यही माटी के लाल हैं, उनको आप सुनेंगे। जय हिंद, जय भारत। और ये इतिहास, आप लोगों का आशीर्वाद उस इतिहास में शामिल है, ये मैं कहना चाहता हूं। राजस्थान में राज्यसभा का वो चुनाव हुआ, 3 सीटें थी राज्यसभा की, भारतीय जनता पार्टी ने चौथा उम्मीदवार उतारा, पूरा देश जानता था। मैं यही कहना चाहूँगा कि पूरे राजस्थान में जहाँ हम लोग लोकसभा में एक भी सीट जीत नहीं पाए, राज्यसभा में भी हम लोग जो है 3 सीटों पे हैं 10 में से, और 3 में से 2 जो हमारे शीर्ष के नेता हैं देश के, पूर्व प्रधानमंत्री जी और हमारे दूसरे जो है संगठन के महासचिव वेणुगोपाल जी, वो दोनों ही राजस्थान के बाहर से हैं। ऐसे में मेरा दायित्व बहुत ज़्यादा राजस्थान के लिए बढ़ जाता है। जो उम्मीदें और जो लक्ष्य शीर्ष के नेताओं ने रखा है राजस्थान के लिए, उसको पूरा करने का हम लोग काम करेंगे। उसी के तहत मैं पिछले 2 दिन से यहाँ पाली, जालोर और सिरोही के 3 जिलों के मूवमेंट पे हूँ, और सभी लोग दोनों ही जिलों के, जहाँ मैं भी सिरोही और पाली कर पाया हूँ 2 दिन में, दोनों ही जिले के सारे तमाम जो नेता हैं, चाहे छोटे छोटे मनमुटावों के बीच ग्रुपों में भी बटे हों भले ही, लेकिन यहाँ एकजुटता का परिचय उन्होंने दिया। सभी लोग आए, सभी ने कार्यक्रम अपने अपने क्षेत्रों में किए और अपार जनसमूह आया है। कार्यकर्ताओं ने भी पूरी ताकत और मेहनत के साथ में कार्यक्रम को सफल बनाने की कोशिश की है।